कोहली ऑफसाइड पे खेला है, पहला तेज गति से भागा है, दूसरे रन के लिए वापस। भारत की आन है, भारत की शान है। हेलो भाई, की तैयारी हो रही है क्या? ट्यूटोरियल लेकिन रूड हो गया। हमको लाइक वालों को गुंडा बोलते हैं, गुंडा। रोज पढ़ो, रोज भले ही घंटा पढ़ो, कोशिश करो दूसरों की पढ़ाई ना हो, मतलब कोशिश करो दूसरों की ना हो। पेपर फाड़ के आने वाले हैं हम लोग। भारत की आन है, भारत की शान है, इनके क्रिकेट का सम्मान है। हेलो एवरीवन, अभी हमारे आईआईटी बॉम्बे में अपने एग्जाम्स के सीजन चालू हो चुके हैं और अभी हमारा इंटर्नशिप कल से स्टार्ट है और हमने दोपहर में सोचा था कि हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रणव भाई से पूछे हमने क्या किया, बताइए। हमने सोचा था कि स्टार्टिंग के 10 ओवर देखेंगे इंडिया की बैटिंग और लास्ट 10 ओवर देखेंगे, लेकिन फिर हुआ ये कि विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी। इंडिया इतना अच्छा खेल रही है कि हमने 50 के 50 ओवर देख लिए। और अब हमें रिग्रेट हो रहा है, अब हम जा रहे हैं स्नैक्स करने जा रहे हैं शाम के, लेकिन हमको पता है कि हम आगे मैच देखेंगे। नहीं नहीं, आगे पढ़ाई करना है। ये मैच देखेगा, हम जाएंगे खा के आएंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, फुल पढ़ाई करेंगे। देवांश, आपको क्या लग रहा है, अभी हम यहाँ से वापस जाकर ये पढ़ाई करेंगे या मैच देखेंगे? करना तो पढ़ाई है, वो तो पता है, लेकिन करेंगे क्या लग रहा है आपको? मुझे तेरा नहीं पता, लेकिन मैं तो पढ़ूंगा। मैं भी पढ़ाई करूंगा। आप क्या कीजिए? तो पक्का पढ़ना करो, मैच नहीं देखेगा पक्का ना? क्या पक्का मैच नहीं देखेगा ना? मैच देखेंगे, मैच साइड में चलेगा, स्कोर चलेगा। जब मैच रोमांचक होगा तब देखेंगे, उसके अलावा हम पढ़ाई करेंगे। इन्होंने बोला था कि ये मैच नहीं देखेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे। जैसे आते ही देखिए क्या कर रहे हैं, दिखा दीजिए जरा। मैच ये देखिए, मैच ला के बैठ गए हैं। अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और ये मैच ला के बैठ गया। अभी तो आपको पढ़ना था, क्या हो गया? अभी मैच देख लेता हूँ, कल का भी पूरा दिन बचा है अभी तो। हाँ, कल का भी पूरा दिन, बात तो सही है। अभी तो पूरी रात बची है। हाँ, तो अभी मैं देखे बैठ गए मैच देखने के लिए। ये बात भी सही है, 4 साल में वर्ल्ड कप एक ही बार आता है। तो ये आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कल हमारा किस चीज़ का एग्जाम है, थोड़ा बताइए। कोर्स का क्या नाम है? MA 105। ये कैसा कोर्स है, हार्ड है, इजी है, कुछ बताइए। आप आओगे, आपको खुद आनंद मिलेगा इस कोर्स में। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए IIT बॉम्बे और आनंद ले इस कोर्स MA 105 का। फर्स्ट ईयर में आपको जरूर मिलेगा, आपको सारे लोग यही नाम जपते मिलेंगे, MA 105। A few minutes later, ये देखिए थोड़े देर पहले ये पढ़ रहे थे। नहीं, ये देखिए थोड़े देर पहले मैच देख रहे थे और मैच में इन्होंने जैसे हमें बताया था कि ऊपर आकर के पढ़ना है। अभी देखते हैं, अभी शायद ये पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि ये लैपटॉप में पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे दिखाइए व्यूअर्स को, दिखाइए क्या कर रहे थे। गेम खेल, ये देखिए ये लैपटॉप में GTA 5 खेल रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई हो गई क्या? तो हेलो, अब हम जा रहे हैं रात का डिनर करने। जब हम आए थे तो 6:30 हो रहा था, अभी देखिए अभी टाइम आपको दिखा देता हूँ, अभी टाइम हो रहा है 8:40 और अभी हम वापस से जा रहे हैं रात का खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। जब हम स्नैक्स करके आए उसके बाद हमने थोड़ा मैच देखा, फिर हमने थोड़ी सी पढ़ाई भी की। आधा घंटा सो गया, रिफ्रेशमेंट जरूरी है, सोना भी अच्छा। फिर अब हम आएंगे खा करके, फिर थोड़ा बहुत मैच देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बस आज बचा है, आज रात भर पढ़ना है, ऑल नाइटर मारने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर बस सुबह में सो के उठ के एग्ज़ाम देखे आएंगे, देखते हैं कैसा जाता है। अब हम वापस से पढ़ने जाएंगे, पहले हम पढ़ने से पहले देखते हैं दूसरों के रूम में जा कर के दूसरे क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम जाते हैं शाश्वत के रूम में, दिखाता हूँ शाश्वत क्या कर रहा है। तो ये देखिए इनका रूम बंद है, अंदर से कुछ तो आवाज़ आ रही है। शाश्वत भाई क्या हो रहा है, एग्जाम वाले भाई की तैयारी हो रही है क्या? ट्यूटोरियल देखिए, ट्यूटोरियल चल रहा है होगा। तो शाश्वत भाई के रूम में तो आपने देख लिया क्या चल रहा था,
मैं आपको दूसरों के रूम में जाके दिखाता हूँ, देवांश भाई के रूम में जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। अभी हम देवांश भाई के रूम में जा रहे हैं, ये देखिए इधर मैच चल रहा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स चल रहा है, और ये बस पढ़ रहे हैं। मैं तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। और देवांश आपने बोला था कि हम स्नैक्स करके आएंगे तो पढ़ेंगे, स्नैक्स भी कर लिया, अब डिनर भी करके आ गए, अब पढ़ाई कब चालू होगी, आपका मैच ही चलेगा। अभी चलेंगे ले लेंगे पास, मतलब अब इनका ये है कि पूरा मैच खत्म करके ही करेंगे। और अंकुश आपका पढ़ाई हो गया क्या पूरा? कुछ नहीं हुआ अभी तो, ये आप क्या देख रहे हैं? मैं ये रील देख रहा हूँ। तो अभी रात के बज चुके हैं एक, देख सकते हैं आप रात के एक बज चुके हैं, और हमारा पढ़ाई भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम आगे थोड़ी देर और पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे, फिर उसके बाद सुबह उठ करके थोड़ी और पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे एग्ज़ाम देने करके। क्या आपका कैसा गया, मतलब पढ़ाई कैसा हो गया? हो गया बस, एक साथ पढ़ लिया बैठ के, पहली बार पढ़ा हूँ मैं तो, अच्छा लग रहा है पहली बार पढ़ के। आप पढ़ा करो, एक एडवाइस दूंगा मैं, यहाँ पर आओ तो पढ़ना, ठीक है? बिना पढ़े कुछ नहीं होता। तो आपके क्या लगते हैं कल कितने मार्क्स आ जाएंगे? मेरे को कल 40 का हमारा पेपर है, तो कितने मार्क्स का है? 40 में से अगर मेरे 30 आ जाए तो मैं खुश हूँ। 30 तो सब खुश है, 30 सब खुश है, मेरे को लग रहा है 30 आएंगे, मेरे को लग रहा है कि 20 प्लस में तो शायद आ जाए 20 प्लस। अच्छा तेरे? मेरे तो 30 प्लस आ जाए तो मैं भी खुश हूँ, लेकिन अभी कितना आ रहा है मेरे ख्याल से, तो मेरे 20 प्लस आ रहे। लेकिन ये देखिए हमारे सामने एक सीएस वाले बैठे हुए, ये कैमरा में आने के लिए मना कर रहे हैं कि मुझे कैमरा में नहीं आना, लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती नहीं लाऊंगा। वो बोल रहे हैं कि मैं 40 से चलाता ही नहीं हूं। तो आप बताइए आपका 40 में से कितना, देखिए अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं हम, अभी सोने का सोच रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, बताइए कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल? 25 प्लस आ जाए या फिर 25 प्लस आएंगे? कितना चाहते हो कि कितना आ जाए तो आप खुश हो जाओगे? 30 प्लस में खुश। तो अभी आप बताइए कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे यहाँ आने के बाद, क्या करना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड कि अच्छी सीपीए आ जाए? रोज पढ़ो, रोज भले 1 घंटा पढ़ो, कोशिश करो दूसरों की पढ़ाई ना हो, मतलब कोशिश करो दूसरों की ना हो, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। समझ के बोल रहा हूं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। एक्चुअली हम यहाँ पर आए थे 2 क्वेश्चंस के डाउट पूछने के लिए इनसे, मैं भी नहीं सॉल्व, इन्होंने हमारा एक डाउट सॉल्व कर दिया, एक इनसे खुद से नहीं बना, तो हम इसलिए आए थे, लेकिन इन्हें लग रहा है कि हम आरजी करने आए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत ना समझे। A few inches later, आग लगे रहे। तो अभी हम सोने वाले थे, पढ़ने भी वाले थे, लेकिन हमें जोर की लग गई भूख, तो अभी हम जा रहे हैं कैंटीन खाने के लिए। इसको भूख नहीं लगी लेकिन इसको लेके जा रहे हैं। इसको भूख नहीं लगी लेकिन यदि इसे नहीं लेके जाए तो ये रूम में पड़ता। इसको कहते हैं आरजी, तो इसलिए हम इसे खींच के ले जाते ताकि ये भी ना पड़ पाए। आज हम यहाँ पे कैंटीन खाने आए थे, लेकिन प्रणव भाई का दिल इतना भरा कि इन्होंने अपनी तरफ से हमें पार्टी दे दी, बोले कि क्या तुम लोग अपना पैसा खर्च करोगे इनकी तरफ से पार्टी, तो इनको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ, आप लोग भी कमेंट्स में एक बार थैंक्स प्रणव भैया बोल दीजिए। थैंक्स प्रणव भैया, प्रणव तुम्हारा ही नाम है, ऐसा बोल दिया। हाँ ऐसा बोल दिया, ऐसा उन्होंने मुझे बोला, इन्होंने भी। हाँ ये मेरे बहुत आभारी हैं, इनको मैं खिलाता हूं बहुत, हर रोज यही खिलाते हैं, और कल भी खिलाएंगे है ना? हाँ कल भी खिलाएंगे, कल भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा इनका, कल भी ये खिलाएंगे। डे 2 देखिए गाइस, 1 घंटे बाद हमारा एग्जाम है, और पता नहीं हमारा वो जेई वाला एस्पिरेंट कहाँ मर गया है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते ही अपने आप ऑटोमेटिकली रील्स पे चले जाते हैं ऐसे बच्चे। देखिए गाइस, आप भी IIT आने के बाद मेहनत नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। तो अभी हमारा 1 घंटे बाद एग्जाम है, तो चलिए पूछते हैं बाकियों से कि उनकी तैयारी कितनी हो गई है। बंसल साहब आप बताइए आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है? आपने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर वो ATM वाली लाइन में लगा रहता है बंदा, वो सर्दी में उससे पूछते हैं कि क्या हालत है? चाय मुड़ी पड़ी, तो वैसा ही कुछ है क्या? चाय मुड़ी पड़ी। ओम प्रकाश आप बताइए आपकी तैयारी कैसी है? बहुत बढ़िया चल रही तैयारी। ये देखिए इनकी तैयारी कैसी चल रही है। अर्णव कैसी तैयारी है? मेरी तैयारी बस हो गई है भाई, सुपर फाड़ के आने वाले हैं हम लोग। देवांश आप बताइए कैसी तैयारी है?
तैयारी ठीक ठाक है? ठीक ठाक है या बहुत अच्छी? बस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है माइंड में कि क्या करना है क्या नहीं करना। इतने दिनों से हमें पढ़ाया जा रहा था, हमने पढ़ा बस लास्ट के दो दिन में। हाँ तो जितना भी इन्फॉर्मेशन था सब हमारे दिमाग के अंदर पिछले दो दिन में गया है। दिमाग में सब है, बस क्या निकालना है सही जगह वो नहीं पता, बस उसी में गलती हो जाएगी। बस भगवान से ये हमें प्रार्थना करनी है सही जगह सही चीज निकल जाए। An eternity later. Now sad. कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम देने के बाद आप सैड हो गए क्या? मैं सैड हो गया यार। कितने आ रहे हैं? 40 में से कितने आ रहे हैं? मैं नहीं बता रहा, बहुत गंदे आ रहे हैं। इनके अच्छे आ रहे हैं, ये इनका सीएस वाले भैया। अरे सीएस वाले भैया बताइए आपके कितने आ रहे हैं? मेरे अगर 40 में 30 प्लस आ गए मैं सारे सब्सक्राइबर को पार्टी दूंगा। पक्का? नहीं मतलब हाँ। उसको बता। बस हमारा पहला एग्जाम यहाँ पे खत्म होता है, अब हमारा अगला एग्जाम है 3 दिन बाद, तो अब हम उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। इनका कल है फिर हमारा 3 दिन बाद है, तो हम अब उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। बस ये था हमारा पहला एग्जाम और टाइम पास करेंगे, पढ़ाई वाड़ाई बाद में करेंगे पढ़ाई। सब तो है, लेकिन आपको दिखाया हमने इस वीडियो में कि कैसे आईआईटी एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, तो वैसे ही ऐसा ही चलता है हमारे यहाँ। तो यही था इस वीडियो में, और बाकी के वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय। पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई करो, बेस्ट ऑफ लक। भाई क्या हुआ? भाई मेरे ईयरफोन लग गए। क्यों, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? भाई कोर्स का नाम मैंने मालूम पाया था। Get it? Text a message, I don't know the number.